एक और झूठी कहानी कि पहले सेना में केवल क्षत्रिय जाते थे। जरासंध का नाम सुना आपने, एकलव्य का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वामपंथियों ने एकलव्य के बारे में बहुत झूठा प्रचार किया। एकलव्य के पिताजी थे जरासंध के मुख्य सेनापति। एकलव्य दलित परिवार के, अगर दलित परिवार के लोग सेना में नहीं जाते थे तो एकलव्य के पिताजी जरासंध के मुख्य सेनापति कैसे बन गए? अगर केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे तो कर्ण, जिसकी पहचान सूत पुत्र की थी, वो राजा कैसे बन गया? अगर केवल राजा और राजा के मंत्री क्षत्रिय होते थे तो दशरथ जी के मंत्री सुमंत, जो एक केवट के पुत्र थे, नाव चलाने वाले के पुत्र थे, वो दशरथ जी के मंत्री कैसे बन गए? अगर पहले केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ते थे तो भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे? दशरथ और सुमंत एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे? अगर पहले गुरुकुल अलग अलग क्लास वाइज था, अगड़ों का अलग, पिछड़ों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, क्षत्रियों का अलग, तो कृष्ण और सुदामा, कृष्ण एक राज परिवार के, सुदामा एक गरीब परिवार को, एक साथ कैसे पढ़ते थे? बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन सारी भ्रांतियों पर चर्चा करने का समय नहीं है, इसलिए आज मैं दो विषय को टच करना चाहता हूं। वैसे विषय तो एक ही है, समान नागरिक संहिता, लेकिन अगर आप लोग सुनने के इच्छुक हैं तो एक विषय में अपनी तरफ से समान शिक्षा भी ले लेता हूं। मानव इतिहास में आज के हजारों साल पहले हमारे देश में समान शिक्षा थी। समान शिक्षा का मतलब गुरुकुल अलग अलग था, महिला का गुरुकुल अलग, बेटियों का गुरुकुल अलग, लड़कों का गुरुकुल अलग, लेकिन सारे क्लास के लोग, पहले चार ही क्लास थी, जाति तो थी नहीं, कर्म के आधार पे जो जो काम करता था वही कहलाता था, जाति कोई थी नहीं। ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय बन जाता था, क्षत्रिय का लड़का वैश्य कहलाता था, वैश्य का लड़का ब्राह्मण कहलाता था, ऐसे मतलब जो जैसे काम किया। उदाहरण के लिए दशरथ जी और विश्वामित्र जी एक ही परिवार के, दशरथ जी क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाए। वेद व्यास जी भीष्म पितामह एक ही परिवार के, वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए, भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए, ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है। जब तक भारत में फिर से उसी भारतीय परंपरा के अनुसार वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक साक्षर भारत तो बन गया, बन रहा है, साक्षरता तो बढ़ भी रही है, स्वच्छ भारत भी बन रहा है, लेकिन संपन्न भारत, सुरक्षित भारत, स्वावलंबी भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, समावेशी भारत, संवेदनशील भारत, स्वाभिमानी भारत, समतायुक्त भारत, समरसतायुक्त भारत और संस्कारी भारत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अगर हम चाहते हैं कि साक्षर भारत और स्वच्छ भारत के साथ साथ एक सबल भारत बने, एक संपन्न भारत बने, एक समृद्ध भारत बने, एक सुरक्षित भारत बने, एक स्वस्थ भारत बने, एक समावेशी भारत बने, एक संवेदनशील भारत बने, एक स्वाभिमानी भारत बने, एक समतायुक्त भारत बने, समरसतायुक्त भारत बने और संस्कारी भारत बने, तो हमें इस विदेशी शिक्षा व्यवस्था को हटाना होगा जो आज भी चल रही है, और हमें अपनी पारंपरिक गुरुकुल वैदिक शिक्षा को लागू करना होगा। नहीं तो आप चाहे जितने पुलिस स्टेशन खोल लीजिए, अपराध कम नहीं होगा, चाहे जितने आप कोर्ट बना लीजिए, न्याय नहीं होगा, आप कितने भी इंतजाम कर लीजिए, भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें भारत में एक समान शिक्षा व्यवस्था, वो भी भारतीय शिक्षा जो हमारी थी उसके आधारित करना पड़ेगा। और इसके असंख्य उदाहरण है जब पूरे देश में एक समान शिक्षा थी। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिंगापुर में भी समान शिक्षा है, चाइना में भी समान शिक्षा है, अमेरिका में भी समान शिक्षा है, जापान में भी समान शिक्षा है, कई देशों में समान शिक्षा है। आप सोचते होंगे कि समान शिक्षा कैसे लागू हो सकती है। मैं इस विषय को विशेष रूप से इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ कई सारे यहाँ पे प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, बाकी और भी कई सारे लोग, एचओडी, सब शिक्षा विभाग के लोग बैठे हुए हैं। नवोदय जो स्कूल होता है पूरे देश में, एक सिलेबस होता है कि नहीं? केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक होता है कि नहीं? अरे चाइना, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है,
जनसंख्या हमारे बराबर है, वहां समान शिक्षा हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। केमिस्ट्री का, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे विषय का जब एक हो सकता है, फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? फिर कायले सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, गुजरात बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। और वैसे भी जब एग्जाम कॉमन हो रहे, इंजीनियरिंग के लिए जेई एक एग्जाम, मेडिकल के लिए नीट एक एग्जाम, सेना में जाना है एनडीए एक एग्जाम, कलेक्टर बनना आईएएस एक एग्जाम, जब वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो संविधान का आर्टिकल 16 है जो कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर तो तब मिलेगा ना जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। केवल इतना हो सकता है, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े। पढ़ने की मातृभाषा अलग हो, बात समझ में आती है, सिलेबस अलग अलग क्यों होना चाहिए भाई? और अल्टीमेटली बच्चा 11वीं 12वीं करने के बाद जब वो इंजीनियरिंग की कोचिंग लेता है, या मेडिकल की कोचिंग लेता है, या क्लैट की कोचिंग लेता है, एनडीए की कोचिंग लेता है, या आईएएस की कोचिंग लेता है, तो वहां कोचिंग में सबको एक ही चीज पढ़ाते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं, सबको एक ही पढ़ाते हैं। लेकिन इस देश के कोचिंग माफियाओं ने ऐसा इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया कि वो इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन के बहुत सख्त विरोध में है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। इसलिए मजबूर होके भी, कितना भी टॉपर हो बच्चा, कितना भी टॉपर हो 11वीं 12वीं का, बिना कोचिंग के न वो आईआईटी में जा पा रहा है, न उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है, न क्लैट क्वालिफाई कर पा रहा है, न एनडीए क्वालिफाई कर पा रहा है। जबकि भारत की संस्कृति रही है कृष्ण और सुदामा सेम सिलेबस, भगवान राम और निषाद राज सेम सिलेबस, राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमन एक दलित परिवार, एक दशरथ जी राज परिवार, एक ही गुरुकुल का एक ही सिलेबस। इसलिए अगर हम इस देश में एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, मेरी इस पे पीआईएल भी चल रही है और मैं पूरे देश में इस पे कर भी रहा हूं कि भारत में आप 555 मॉडल लागू करिए। 555 का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, और प्राइमरी सेकेंडरी को सबके लिए कॉमन कर दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए। 5 साल की प्राइमरी में उसको भाषा के ऊपर फोकस मत करिए, उसको पहले अच्छा भारतीय बनाइए, उसको डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए। 5 साल की प्राइमरी में उसको योग सिखाइए, अष्टांग योग सिखाइए, भारतीय दर्शन सिखाइए, भारतीय महापुरुषों के बारे में बताइए, यम नियम सिखाइए, सच्चाई अच्छी होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब वो शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक स्वस्थ भारतीय बन जाए, एक पूर्ण भारतीय बन जाए, अच्छा वो बेटा बन जाए, अच्छा भाई बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, सबसे पहले उसको प्राइमरी में सिखाइए। तो जो आज समस्या फेस हो रही है, गृह क्लेश जो हो रखा है, भाई भाई का नहीं सुन रहा है, बेटा पिता का नहीं सुन रहा है, पुत्री माँ का नहीं, माँ की नहीं सुनती है, ये समस्या तब खत्म होगी जब ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, जो आज भी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से आधारित है, जो आज भी केवल फैक्ट तो बता रही है, आंकड़े तो बता रही है, लेकिन भारत के बच्चों को भारतीय नहीं बना रही है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। 5 साल का सेकेंडरी, अब उसको विषय सिखाइए। और मैं अपना ही बताता हूं, यहां जितने लोग पूरे हैं, हमने 6वीं में आके एफआरएपल पढ़ा था, हमने प्राइमरी में नहीं पढ़ा था। जब हम 6वीं में आ गए तब देखा कि अच्छा ए ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, सी ऐसे बनता है, और तब भी वकालत तो कर ही रहे। तो प्राइमरी में उसको विदेशी भाषा मत पढ़ाइए। प्राइमरी मतलब 5 साल से लेकर 10 साल या 6 साल से लेकर 11 साल तक, केवल और केवल
भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन शैली, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय योग, भारतीय रीति रिवाज, रीति क्या है, कुरीति क्या है, प्रथा क्या है, कुप्रथा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, केवल और केवल उसको अच्छा भारतीय बनाइए, अच्छा पुत्र बनाइए, अच्छी पुत्री बनाइए, स्वस्थ हो, तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, हर तरीके से स्वस्थ हो, उसको ऐसा बनाइए पहले संस्कारी। छठवीं से लेकर दसवीं तक, यानी जो 555 में जो दूसरा फाइव है, उस 5 साल में उसको फिजिक्स भी पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, जूलॉजी भी पढ़ाइए, बॉटनी पढ़ाइए, सब पढ़ा दीजिए, अगले 5 साल तक सब पढ़ ले। अब जिसको नहीं पढ़ना लिखना, दसवीं तक पढ़ लिया, उसके बाद जिसको अपना हेयर सैलून खोलना हेयर सैलून खोले, जिसको अपना धंधा व्यापार करना धंधा व्यापार करे, जिसको और जो काम करना है और काम करे, जो जिसको जो खेती करना है खेती करे, धंधा रोजगार करे, व्यापार करे, जिसको जो करना है करे, लेकिन कम से कम अच्छा भारतीय बन तो गया है। वो वंदे मातरम बोलने से नफरत तो नहीं करेगा, भारत माता की जय बोलने से नफरत तो नहीं करेगा, वो कम से कम सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स से बाहर तो आ गया, वो कम से कम ये तो मानेगा कि हाँ भाई वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके दिमाग में घुस तो जाएगा। नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी तू नारायणी, यत नारंती पूज्यते रमंते तत देवता, ये उसको प्राइमरी में सिखा दीजिए, फिर उसके बाद विषय पे ले आइए। 5 साल का सेकेंडरी हो गया, अब बाकी जिनको अपना काम धाम करना है काम धाम करें, बाकी जिसको एयरफोर्स जिसको सेना में जाना है उसको अपना अलग कोर्स कर दीजिए, जिसको इंजीनियर बनना अलग कोर्स कर दीजिए, मेडिकल अलग कोर्स कर दीजिए। जब 12वीं के बाद इंजीनियरिंग हो सकता है तो 10वीं के बाद भी हो सकता है, 12वीं के बाद एनडीए में जा सकता है तो 10वीं के बाद भी जा सकता है, हाँ उसका ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा। अभी भी 12वीं करने के बाद 3 साल में हम ग्रेजुएशन करते हैं तो टोटल कितने साल हो गया, 15 साल। उस 5 साल को इक्वली इक्वली डिवाइड कर दीजिए। मुझे लगता है कि इस विषय पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए, देश में समान शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि भारत में जो बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, जो एक आत्मग्लानी हो गई है, हर विदेशी चीज अच्छी लगती है, विदेशी भाषा अच्छी लगती है, विदेशी कपड़ा अच्छा लगता है, विदेशी पहनावा अच्छा लगता है, विदेशी रीति रिवाज अच्छा लगता है, विदेशी तरीके से जन्मदिन मनाना अच्छा लगता है, हर विदेशी चीज जो अच्छी लगने लग गई है, उसकी बजाय लोग भारत के संस्कृति से प्यार करें, भारत में आचार व्यवहार भारत जीवन शैली को समझें और उसको अपनाएं, वो ज्यादा अच्छा है।